इस वीडियो का टॉपिक है माइक्रोवेव ओवन। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि माइक्रोवेव ओवन कैसे काम करता है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, तो पूरा वीडियो जरूर देखना क्योंकि पूरा वीडियो 3D में होने वाला है, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। माइक्रोवेव ओवन सभी के घर में लगभग होता ही है और ये क्या करता है, ये खाने को गर्म करने में काम आता है। लेकिन खाने को गर्म कौन करता है, कैसे करता है? खाने को गर्म करने में हेल्प इसका जो मेन जो पार्ट से मैग्नेट्रॉन इसके अंदर रहता है। ये मैग्नेट्रॉन ही मेन काम करता है गर्म करने का, खाने को गर्म करने में हेल्प यही कर मैग्नेट्रॉन माइक्रोवेव को प्रोड्यूस करता है। एंड इसी माइक्रोवेव की हेल्प से हम खाने को गर्म करते हैं। ये जो माइक्रोवेव होता है इसका फ्रीक्वेंसी होता है 2.45 GHz, बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होता है। हमारे घर का जो AC सप्लाई होता है ना, उसका हर्ट्स जो होता है 50 Hz होता है, लेकिन जो मैग्नेट्रॉन जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है वो होता है 2.45 GHz, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। अगर हम इसको गीगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करें तो 2.45 GHz कितना होता है पता है? 245 करोड़, इतना फ्रीक्वेंसी होता है इसका मैग्नेट्रॉन का, इतना फ्रीक्वेंसी। अब इसी फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम खाने को गर्म कैसे करते? देखो, कोई भी खाना हो उस खाने के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होगा ही होगा। अब ये क्या करता है, उस वाटर मॉलिक्यूल को ही गर्म कर देता है। कैसे गर्म करता है, यहाँ पर देखो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स है, H2O, बहुत सारे। ये जो माइक्रोवेव है ये खाने के अंदर से चला जाता है। जैसे ही चला जाता है, मान लो राइट की तरफ मैग्नेट्रॉन है, बीच में खाना है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स है बहुत सारे। एंड जैसे ही माइक्रोवेव पास होगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये राइट से लेफ्ट की तरफ हिल जाएगा। ये जो माइक्रोवेव जा रहा है, अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर एक मेटल का शीट में रख दूंगा, तो क्या होगा, ये जो माइक्रोवेव है ये इस मेटल के शीट से टकरा कर फिर से वापस आएगा। जैसे ही वापस आएगा तब क्या होगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल से ये फिर से लेफ्ट से राइट की तरफ झुक जाएगा। ठीक है, अब कोई भी दो चीज़ के अंदर अगर आप फ्रिक्शन क्रिएट करोगे, यहाँ पर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। एंड जैसे ही बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स एक साथ फ्रिक्शन क्रिएट करता है, मतलब देखो बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी है, अगर ये फ्रिक्वेंसी एक सेकेंड में 2.45 GHz की फ्रीक्वेंसी अगर हम खाने के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल से एक सेकंड में राइट से लेफ्ट की तरफ और लेफ्ट से राइट की तरफ 245 करोड़ बार होगा। एक चीज तो हमें पता है कि कोई भी दो चीज के अंदर अगर हम फ्रिक्शन कर दे तो उसके अंदर हीट जनरेट होता है, ये तो पता ही है। आप अपने दोनों हाथ को एक साथ करके उसे रफ करने की कोशिश करो, देखो क्या होगा, हीट जनरेट होगा। जैसे ही लेफ्ट से राइट ऐसे होता है तो इसके अंदर एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है, इस वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है। इसी फ्रिक्शन की वजह से इसके अंदर एक हीट प्रोड्यूस होता है एंड इसी हीट से हम खाने को गर्म करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, कभी कभी देखोगे अगर खाने के बीच से अगर हीट सभी जगह से ठीक से नहीं पास होगा तो क्या होगा, खाने के कुछ जगह पर गर्म स्पॉट होगा, कुछ जगह पर ठंडा होगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी माइक्रो ओवन में एक नया तकनीक जोड़ा गया है कि जैसे ही खाने को हम जिस प्लेट के ऊपर रखेंगे वो प्लेट घूमना चालू कर देता है। ठीक है, जैसे ही घूमना चालू कर देता है तो क्या होता है, जो माइक्रोवेव है वो खाने के हर वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर से जाता है, तो क्या होता है, हर एक वाटर मॉलिक्यूल्स इंडिविजुअली गर्म होता है, मतलब फ्रिक्शन क्रिएट करके गर्म होता है एंड खाना अच्छी तरह से पक जाता है हर तरफ से। जैसे ही सब वाटर मॉलिक्यूल एक साथ हीट प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, ये खाना गर्म हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस का, हर एक माइक्रोवेव ओवन में इसी प्रोसेस का यूज किया जाता है। जो मेन जो चीज़ है वो यहाँ पर मैग्नेट्रॉन है। मैग्नेट्रॉन एक हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, जो फ्रिक्वेंसी खाने के अंदर से चला जाता है, खाने के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स रहता है, वेव की वजह से वो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर फ्रिक्शन क्रिएट होता है एंड उसी फ्रिक्शन की वजह से खाना जो है वो गर्म होता है। माइक्रोवेव का वर्किंग प्रिंसिपल यही है। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए सही है और आप ऐसे ही 3D वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे दबा दो, क्योंकि मैं जैसे ही नया वीडियो डालूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा।